आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जी गरीबों की बसंत कैसी होती है। ऐसे फटे फूटे गड्ढे होते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे गड्ढे होते हैं और उनको कैसे उड़ाया जाता है और सिंगल सिंगल गरीब बंदा कैसे गड्ढे उड़ाता है। तो एंट्री मारते अपने सोने से छत पर और आए हुए बंद रहो बंद हो जा सिम सिम, ये बंद करते हैं आ जा। और ये सोने सोने गड्ढों को ना यहाँ पर ला कर इधर रखते हैं और इसके ऊपर सोनी से एक वट्टे ला के इधर रख देते हैं। उसके बाद हमने डोर उठाई हुई होती है इधर, वो मतलब रखी हुई होती है इधर, क्योंकि इसको थोड़ा सा धूप छुप लगवा लेते हैं और फिर इसको ला के रखते हैं छत के मिड में और वट्टा उठाते हैं यहाँ से इस तरह एक गुड़ा निकालते हैं सोना सा फरफराटा टाइप साइड पर रखते हैं, एक उठा के वापस उसके ऊपर रखते हैं। गुड़े को कने डले भी होते हैं क्योंकि गरीब आवाम पैसा तो लगाती नहीं है, खरीदती तो है नहीं, तो इसलिए लोगों के पकड़ा पकड़ाई वाले गुड़े छीन कर तो उसको फिर डालते हैं, मतलब डोर बांधते हैं, सॉरी कने तो डले भी होते हैं। तो ये फिर गड्ढे मारते रहते हैं ताकि कहीं हमारा यार गुड़ा खुल ना जाए। तो गरीबों की गड्ढे एक गुड्ढे के साथ कोई आपको 25-30 मिलेंगी जैसे कि अब मैं मार रहा हूँ। चले मैं 3 एक मार लेता हूँ, बहुत है। अरे गरीब बंदा अकेले ही ना यूँ करते और यूँ लेके जाता है और फिर यूँ आए आए और यूँ जाके गिर जाता है और फिर नीचे छत पर रखता है गरीब बंदा और यूं ऊपर करते हैं और गुड्डा उड़ने लग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से फिर गुड्डा नीचे गिर जाता है, फिर गरीब बंदा उसके पास जाता है यूं करके और पास से ना इसको यूं ऊपर करेगा और पीछे भागता हुआ आएगा कि यार उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। लेकिन नहीं, गुड्डे को आराम ही नहीं है, उसे तो दोबारा गिरना है। फिर गरीब बंदा आता है, गुड्डे को उठाता है, चेक चेक करता है, छाप छाप निकालता है, छाप छाप निकाल के कने से चेक करके फिर उड़ाने की कोशिश करता है और फिर यूं उड़ाता है यूं। और फिर गरीब बंदे का उड़ तो जाता है लेकिन ओए फिर गिरने लग जाता है और फिर गरीब बंदा उसको ढील नहीं देता ताकि अगर गुड्डा तो मेरा गाया हो जाए लेकिन डोर ना गाया हो। और फिर गरीब बंदे का ना गुड्डा एक तरफ गिर जाता है, गिरता कैसे है अब ये नहीं पता, कभी किसी का फट जाता है कभी क्या होता है, और ये डोर है और सामने गुड़ा गिरा पड़ा है। फिर गरीब बंदा मोबाइल साइड पे रखता है और इसको उतारने की कोशिश करता है फिर गरीब बंदे का गुड़ा यहाँ पर साइड पे फंस जाता है। अब वो ये सोच रहा है कि यार इसको छोड़ दूँ डोर कच्ची कर रहा हूँ या उतार लूँ। गरीब बंदा तो कभी भी ये नहीं सोचता, ये तो अमीर बंदे सोचते हैं। फिर ये छिक्के लगा लगा के टाइम वेस्ट करते रहते हैं और इसको उतारने की कोशिश करता है। अब ये आपके सामने है, मैं डोर को फुल खींच रहा हूँ लेकिन ये आने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर अब क्या किया जाएगा, अब साथ वाले घर जाया जाएगा, वहाँ पर बेल बजाई जाएगी और वहाँ से गुड्डा मांगा जाएगा, इसने आने का नाम ही नहीं लेना। आ गया, लेकिन फट चुका है इस टाइम। अब इसको उतारेंगे और इसको टेपे लगाएंगे, और क्या करना, हमने जाया तो करना नहीं है इसको। ये देखे फट चुका है, आ जा मेरे हाथ में। ओए फिर वो अपने पार्टनर को बुलाते हैं और पार्टनर थोड़ा सा होता है मोटा, वो लगाता है इसको टेप। मोटे भाई आप इसको टेप लगा दें। अब हो रही है मगरिब की अजानें और मोटे भाई नीचे चले गए अपने काम से, तो मुझे अकेले को इसका टेप लगानी पड़ेगी और थोड़ा सा वेट करते हैं अजानें ख़त्म हो लें। अच्छा फिर का सीन कुछ ऐसा होता है कि मगरिब के बाद थोड़ा थोड़ा हो जाता है अंधेरा, हमारे भाई आ जाते हैं हमारे साथ गुड्डा उड़ाने के लिए। और गुड्डा आपको नज़र आ रहा है, हाँ थोड़ा बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ तो ये है जी हमारा गुड्डा, लेकिन है इस टाइम काफ़ी दूर। ये आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा जूम इन है यार, ये देखें ये डोर है और गुड्डा देखें सातवें आसमान पर होगा, लेकिन हमने इसको उड़ाने पकड़ लो भाई, इतने दूर वाले गुड्डे ना मेरे से नहीं उड़ाने होते। तो फिर मैंने भाई को बोला, मैंने कहा यार आप उड़ाओ, जब गुड्डा थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा मैं थोड़ा सा उतार लूँगा। वो यार वो कोटी भी गिर रहा हूँ, पर वो सामने देखे यार ये गिर जाएगा, उठा लो इसको, उठा लो देखो गिर रहा है, नहीं तंग करो यार गिर जाएगा। एक आखिरी गुड्डा है हमारे पास, वो लाल वाला भी फट गया। एक मिनट किधर गए ये देखो उठाया और शुक्र है ओए गुड़ा उठा है तो कोई जान में जान आई है। तो यार हमजा भाई क्या सीन है, आज दिले लेके आए फिर? हाँ, लाते हैं। लेके आए? हाँ,
उड़ाई पे बनाए गुड्डे। हमजा भाई कह रहे हैं कि यार मैं गुड्डे बना लेता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि गुड्डे बनाते हैं। मुझे कह रहे हैं तीले लेकर, मैंने कहा यार मैं एक दो दिन पहले हरिपुर गया था, आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाएं हरिपुर के रेट्स देखें, मतलब पाकिस्तान की मार्केट में जो गुड्डों के रेट चल रहे 2023 बसंत के, तो वो उनकी शेयरिंग मैंने आपके साथ की है। बाकी फिल वक्त हम कुछ गुड्डे वगैरह उड़ा रहे हैं, अगर मुझे पता होता तो उस दिन मैं अपनी डोर, अपने तीले, अपने गुड्डे खरीद के ले आता। तो बाकी आप गुजारा करेंगे इस जुम्मे को इंशाल्लाह पकड़ा पकड़ाई का, और बाकी जो कुछ बनाएंगे। और हमजा भाई कह रहे हैं कुछ खुद बना लेंगे, देखते हैं हम हमजा भाई हमारे गुड़े कैसे बनाते हैं। मैंने देखा तो नहीं है इनको बनाते हुए कभी, लेकिन लाइफ में पहली बार, देखते हैं अब क्या सीन होगा। यार मेरी पतंग यहाँ पर उड़ रही है, और वो साथ एक और पतंग आ गई है, वो देखें यहाँ पर अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा, तो मेरी पतंग के बिल्कुल वो पतंग साथ है, मेरे हाथ पाँव कहाँ पर है कि कहीं ये पेचा लग ना जाए। तो हम अपने हमजा भाई को बुलाते हैं, वो बर्ड्स वगैरह बंद करें। हमजा जल्दी आओ यार, क्या कर रहे हो, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ यार। नहीं वो उसने उतार लिया, शुक्र है। ये देखो पेचा लग सकता है, पेचा लगाओ जरा, हम अपनी ये है और दूसरों की वो है। किधर गए किधर गए, ये आ गए ये आ गए, दोनों इकट्ठे आ गए। यार काफ़ी अंधेरा हो रहा है ना, तो इसलिए ब्लर हो रहा है। पतंग दूसरी आई थी ना, ऐसे सारी मैंने डोर उतार ली थी, तो ये अब गुड़ंजल हो रही है। यहाँ पर गुड़ंजल होता है या गुंजल होता है, आज तक तो मुझे ये नहीं समझ आई गुड़ंजल है या गुंजल है। गरीबों के पास कहीं गलती से एक पतंग तो आ जाए, लेकिन हम मार मार के और डर डर के पेचे लगाते हैं। हमजा यार कटवाना नहीं, काट के कटवाना नहीं है, मेहरबानी करना, कसम से कसम से कसम से। ओ किधर है, काट गया। सही बात है यार, सही बात है, नजर ही नहीं आ रहा। अब कल फिर एक आधा पकड़ने है या बनाना है, क्या करना है, बनाना है। कल छुट्टी है स्कूल से, चले जी कल हमजा को स्कूल से छुट्टी है, तो सीन कुछ ऐसा करेंगे कि हम घर में बैठ के खुद ही बना लेंगे सस्ती सस्ती पतंगे और वो उड़ाएंगे। बाकी तो यार गरीबों के, हाँ अगर पुल सी आ जाए तो फिर क्या होता?